ठीक है। राष्ट्रीय जनता दल के अंदर मचा घमासान अभी शांत होने वाला लगता नहीं है। जिस प्रकार से जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष ने आकाश यादव को छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर गगन कुमार को बैठाया था और उसके बाद आकाश यादव ने जो जानकारी मिली है तेज प्रताप यादव से सहमति लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी को ज्वाइन किया था। अब तेज प्रताप यादव यानी लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे ने नए छात्र विंग की स्थापना की घोषणा की है। उसके बाद बीजेपी और जेडीयू की तरफ से लालू परिवार में मचे घमासान पर चुटकी ली जा रही है और बीजेपी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि लालू परिवार में बड़े जो सदस्य हैं उनको तवज्जो नहीं दी जा रही और वहाँ भी एक आपसी द्वंद्व चल रहा है, पारिवारिक लड़ाई चल रही है। अभी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेता और प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, हम इनसे सीधे जानते हैं आखिर क्यों घोषणा करनी पड़ी तेज प्रताप यादव को कि नया छात्र विंग बनाएंगे, क्योंकि छात्र राजद तो एक पहले से है ही। कहीं कोई विंग नया नहीं बना है, राजद का विंग नहीं ना बना है। हर व्यक्ति को, हर लोगों को, वो माननीय विधायक हैं, वो छात्रों के बीच में काम करते रहे हैं, हमारे पार्टी के नेता हैं, वो अगर संगठन छात्र बना करके अलग से काम करना चाह रहे हैं काम करेंगे, इसमें बुराई कहाँ है भाई। DSS भी उन्होंने बनाया था पहले, हम भी प्लेयर्स एसोसिएशन चलाते हैं, अध्यक्ष हैं, यहाँ हमारा RJD का खेल प्रकोष्ठ है, इससे क्या भाई। पार्टी के हित में काम हो रहा है तो विरोधी जो मजे ले रहे हैं, और आज तेज प्रताप जी में उनको टैलेंट दिख रहा है, उन पर बहुत तरस आ रही है, तो विरोधियों को ये भी जानना चाहिए कि आखिर वो स्वीकार कर रहे हैं ना कि तेज प्रताप जी की हमारे यहाँ पार्टी में सारे लोगों के पास टैलेंट है, क्योंकि हमारे पार्टी से जा कर के लोग वहाँ भाजपा में आज मंत्री हों, सांसद हों, विधायक हों, भाजपा के पास तो अपना कोई टैलेंटेड नेता है नहीं। एसोसिएशन चला रहे हैं, प्लेयर एसोसिएशन चला रहे हैं, लेकिन वो छात्र राजद का तो नहीं है, ये आपका अपना है, छात्र राजद राजद का है, DSS उन्होंने राजद के लिए बनाया था, जब छात्र राजद है तो इस प्रताप को दूसरा विंग बनाने की क्या जरूरत। यहाँ भी हमारा खेल प्रकोष्ठ है, इसके बाद भी हम प्लेयर के लिए है, करते हैं, आप तो जानते हैं। तो ये अगर छात्र के साथ भी काम कर रहे हैं और वहाँ भी अगर छात्रों का भला करेंगे, उनके लिए काम करेंगे, इसमें बुराई और हर्ज क्या है, इस तो राजनीति का विषय ही नहीं है। वो काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे संगठन बना करके काम कर रहे हैं, समाज के छात्रों के लिए काम कर रहे हैं, इसमें विरोधियों को तड़का और मजा जो ले रही है विरोधी मिर्च मसाला, पहले अपने घरों में जो आग लगी हुई है हमारे बीओ को पहले वो बुझाना चाहिए। आप बोल रहे हैं सब ठीक है, आप बोल रहे हैं कि उनके घरों में आग लगी हुई है नहीं लगी, और JDU और BJP का कहना है कि लालू परिवार के घर तो क्या कहेगी, यही कहते कहते 3 नंबर 2 नंबर की पार्टी है, हम तो 1 नंबर की पार्टी है जनता के आशीर्वाद से। तो जनता के पास जाकर के वो बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे, इस पर नहीं बोलेंगे, महंगाई रुकी बात कैसे राहत देंगे, तुम्हारी महामारी पर बात करना है। आदरणीय लालू प्रसाद जी का चालीसा पढ़ना है, तेजस्वी तेज प्रताप जी का चालीसा, से आगे वो सो भी नहीं सकते हैं, इतना भरेंट पास लेने से है और हम आसान है, ये प्रवचन से जनता का भलाई नहीं होगा, असली मुद्दे पर कब बात करेंगे। लेकिन ये तो दिखता है ना, जगदानंद प्रदेश पार्टी कार्यालय में बैठे हुए हैं, तेज प्रताप कार्यालय में बैठे हुए हैं, दोनों के बीच मुलाकात नहीं होती है, प्रदेश अध्यक्ष जो है वो गुस्से में निकल जाते हैं, मीडिया पे चिल्लाते हुए निकल जाते हैं, बोलते हैं कि तुमको कैसे घुसने ही देंगे, तो ये एक अंदर जो द्वंद्व है RJD के अंदर वो तो दिख रहा है। देखिए आदरणीय जगदा बाबू हमारे बिहार के पार्टी के कप्तान है, आदरणीय लालू प्रसाद जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप जी, सभी लोगों ने मिलकर के बनाया है, वो पार्टी के बेहतरी के लिए लगातार अनुशासन के साथ काम कर रहे हैं।
तो कभी झल्ला करके वो नहीं गए, बल्कि उन्होंने तो कहा कि सभी मीडिया वालों को जगह दिया कि आप सड़क पर मत रहो, आप आकर के बिट पार्टी के अंदर। लेकिन कोई भी चीज का एक सीमा है, जब मीडिया जबरन उन जाने के रास्ते में बाधक बन रहा है तो उन्होंने कहा कि रास्ते से हटिए, इस तरह से कीजिएगा तो नहीं। तो चाचा तीजा कर रहता है और सबको पता है पार्टी बेहतरी के लिए ही काम हो रहा है। और चाचा भतीजा का रिश्ता है, लेकिन भतीजा तो हिटलर कहते हैं चाचा को। भतीजा हिटलर तो वो नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को कहते हैं। ये सब के जो मामला है ये राजनीति का विषय नहीं है, इस पर विरोधियों को जो मजा लेना है ले लें, लेकिन कुछ हासिल नहीं होगा। यहाँ हमारा पार्टी में सब कुछ ठीक है और कृष्ण अर्जुन की जोड़ी है, और इसमें लोग तरह तरह की बात करते हैं, मतभेद सोचते हैं, है कोई मतभेद नहीं है, सब लोग का मिशन एक है, इस जन विरोधी सरकार को हटाना। कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी है, लेकिन वही जो अर्जुन के जो मित्र हैं संजय यादव, उनको ऊपर भी कृष्ण, जिनको आप कह रहे हैं ये सब पर कुछ भी ये राजनीति का विषय नहीं है। किसी के विद्वेष को लेकर के हम आपस में अगर कुछ बात हमारे पार्टी के अंदर है, वहाँ तो आप देख रहे हैं टिकट किस तरह गुटबाजी हुई, तो 5 टुक सांसद कुर्ता पजामा के तैयार भी बनेंगे मंत्री और बन करके वो निकल गए। ये सब पार्टी पहले अपना राजनीतिक लड़ाई हमसे जो नहीं लड़ पा रही है वो इस तरह का बकवास करती है, इसमें कोई दम नहीं। अंत में मृत्युंजय जी आपसे एक सवाल ये भी करना चाहेंगे कि जिस तरह से झारखंड में कहा गया है कि सदन के अंदर मुस्लिम समुदाय के लिए नमाज पढ़ने की अलग से व्यवस्था की जाएगी, अलग से कमरा अलॉट किया गया है, क्या यह सही है? ये परिपाटी जो शुरू हुई है ये सही है? हर जगह पर अगर जरूरत है तो नमाज भी अदा करेंगे, बजरंगबली का पूजा करेंगे, दुर्ग जी का पूजा करेंगे, और मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे सब जगह जाएंगे। यही ना हमारी धर्म देश की खूबसूरती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, एक दूसरे का धर्म का हम सम्मान करते हैं। तो अगर वहाँ जरूरत है, अगर ये लोग मांग करेंगे तो वहाँ बजरंगबली का पूजा के लिए और भगवान का भी पूजा करने के लिए, हिंदू धर्म के देवी देवताओं का पूजा करने के लिए भी जगह मिल जाएगा। इसमें तो ये इस पर राजनीति का विषय नहीं है, धर्म आधार पर बीजेपी राजनीति करती है अपनी राजनीति चमकाने के लिए, उसके लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जो सदन होता है वो उसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जिसमें सारे धन समुदाय ये सबको नहीं रखा जाता है, इसलिए कहा जाता है वो एक निष्पक्ष जगह। वहाँ अगर वहाँ की सरकार ने फैसला लिया है, सोच कर लिया, क्यों लिया, हम तो वहाँ जानते नहीं सरकार के अंग में, तो देश के बिहार के प्रवक्ता है, झारखंड की बात, अब वहाँ की सरकार में हमारी पार्टी है, वहाँ अगर उन्होंने लिया है फैसला तो उनके पास तर्क होगा। ये धर्मों का सम्मान होगा, यही हमारी पार्टी की यूएसपी है। तो ये थे मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने कहा कि जिस प्रकार से झारखंड में मांग की गई थी और जिस प्रकार से झारखंड सरकार ने व्यवस्था की है अलग से कमरे की नमाज पढ़ने के लिए, उसी तरह से अगर हिंदू धर्म की तरफ से हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए या हनुमान जी की पूजा करने के लिए अगर अलग से मांग की जाती तो उसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। यह आरजेडी की सोच है जिससे अवगत कराया मृत्युंजय तिवारी ने। तो फेसबुक लाइव यहीं पर खत्म करते हैं और अगली बार हम किसी और शख्सियत के साथ मिलेंगे।